हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक आपको टाइटल से पता चल ही गया है कि क्या है। यस, बहुत सी गर्ल्स को यही प्रॉब्लम्स होती है कि हम ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन लें या हम वन शोल्डर ड्रेस पहन लें, हम डीप नेक पहनें, बैकलेस पहनें, कौन सी ड्रेस पहनें, क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी ड्रेस आती हैं। हम इन्हें पहन तो लेंगे बट इसके अंदर हम क्या पहनेंगे, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। और तो और कई गर्ल्स के आपने वीडियो देखे होंगे, कई इन्फ्लुएंसर को देखे होंगे कि आप निपल्स कवर यूज़ कर लो, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर लो। बट कुछ टाइम तक जब हम सोचते हैं कि यार क्या ये कंफर्टेबल है, अगर जिनके हैवी ब्रेस्ट है क्या ये उनको सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। यस, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज की मेरी वीडियो में लेकर आई हूँ। इन सब के लिए आपको इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए भी अलग अलग ब्रा आती है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रेस के साथ हमें कौन सी ब्रा पहननी चाहिए। तो वही सब मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, मुझे वहाँ पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। भाई सबसे पहले बात करते हैं वन शोल्डर ड्रेसेस के लिए, क्योंकि मोस्टली मैंने अभी फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, मीशो पे सब जगह वन शोल्डर टॉप, वन शोल्डर ड्रेसेस वगैरह ही देखी, जो कि बहुत अच्छी भी लगती हैं। और अभी राखी फेस्टिवल्स आने वाला है तो बहुत सी गर्ल्स यही सोच रही होंगी कि हम वन शोल्डर ड्रेस पहनेंगे बट इसके अंदर हम क्या पहनेंगे। तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी ब्रा आती है, होती है वन शोल्डर, जो कि आप देख सकती हैं बिल्कुल ऐसी होती है जैसी आप टॉप पहनेंगी, कोई भी आप टॉप ड्रेस पहनेंगी उसी टाइप की ये भी आती है। ये जब आप इसे अच्छे से पहनेंगी आपको पिक्चर्स में ये अच्छे से दिख जाएगी इस टाइप की। यस, इसको पहनने के बाद आप कोई सी भी ड्रेस को इजीली पहनिए, साथ ही आपको ब्रेस्ट कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके पूरे ब्रा का काम करती है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और बहुत अच्छी है, सपोर्टेबल है, तो इसे आप ले सकती हैं। गाइस अब बात करते हैं वन शोल्डर ड्रेसेस, क्योंकि वन शोल्डर ड्रेसेस ऐसी सी होती है या कई स्ट्रैपलेस ड्रेसेस होती है या कई स्लीवलेस ड्रेस होती है। पहनना तो हमें हर ड्रेस के नीचे ही पड़ती है ब्रा, बट क्या ब्रा पहने। हम नॉर्मल ब्रा पहनेंगे तो वो स्ट्रिप दिखेगी, और कई गर्ल्स ऐसी होती है जो हैक कर लेती है, बट हर किसी को हैक करना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस टाइप की ट्यूब ब्रा आती है जो आप चूज़ कर सकती हैं। इसमें पीछे ये बांधने की स्ट्रिप रहती है, बटन जो कि काफ़ी मतलब अच्छे रहते हैं, आप देख सकती हैं 3 तक रहती हैं। ये टाइट भी हो जाती है, लूज़ भी हो जाती है, जैसे आपको चाहिए ये हो जाएगी। बट जहाँ तक हो सके अगर आप इनको टाइट ही बांधेंगी तो ये ज़्यादा रहेंगी, आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट भी करेंगी। शोल्डर ड्रेसेस के साथ आप इस टाइप की ब्रा चूज़ कर। अब बात करते हैं टी शर्ट ब्रा। मोस्टली मैंने कई कॉलेज गोइंग गर्ल्स को या कई टी शर्ट या शर्ट पहनती हैं तो उसके नीचे नॉर्मल ब्रा पहन लेती हैं। ऐसे में क्या होती है, ब्रा लाइंस वगैरह दिखती रहती है जो बिल्कुल चीप रहते हैं, और कई तो बिना पैड वाली ब्रा पहन लेती है जिसमें उनके निपल्स भी विजिबल होते रहते हैं, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं हो, और अभी रेनी सीजन भी चल रहा है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप इस टाइप की ब्रा चूज़ कर सकती हैं जो कि पैडेड वाली ब्रा आती है। इन ब्रा को आप टी शर्ट वगैरह के नीचे पहनिए, काफ़ी कंफर्टेबल्स भी रहती हैं और ये आपके निप्पल्स को भी कवर करेंगी, साथ ही साथ आप कोई भी ऐसी सीमलेस ड्रेस पहन रही हैं तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो आप जब भी आप कोई भी टाइट टी शर्ट या कोई भी लूज टी शर्ट भी आप पहनती हैं उसके नीचे आप यही ब्रा चूज़ कीजिए। नेक ड्रेस, यस गाइस, अगर आप बीचेस वगैरह पे कहीं बाहर जा रही हैं या कोई भी डीप नेक ड्रेस पहन रखी है, हाइटर नेक ड्रेस पहन रखी है, तो समझ में नहीं आता यार इसके अंदर कौन सी ब्रा पहने, क्योंकि बैग बिल्कुल ओपन रहता है और यहाँ पर ब्रा, ऐसी तो कौन सी ब्रा आती होगी जो हम इन्हें पहने। तो इसके लिए भी ब्रा आती है, हाइटर नेक ब्रा टाइप की होती है जो आप देख सकती हैं, ये हाइटर नेक ब्रा होती है और ये बैग होता है इसका। ये ब्रा हाइटर नेक ड्रेसेस के साथ बेस्ट रहती है। तो अब जब भी आप कोई भी इस तरीके की ड्रेस पहन रही हैं जो कि हल्टर नेक है तो उसके साथ आप ये ब्रा चूज़ कर सकती हैं। साथ ही ये फ्रंट से इतना ज़्यादा डीप है, मीन्स आपका अगर बैक फ्रंट भी अगर डीप है तो ये उसे भी कवर कर लेगी, साथ ही हल्टर नेक इधर स्ट्रिप आ जाएगी, आपके ब्रेस्ट को भी अच्छे से कवर करेगी और आप ब्रा भी पहनेंगी। तो इस टाइप की ब्रा आप चूज़ कर सकती हैं। करते हैं डीप नेक ब्लाउजेस। डीप नेक ब्लाउजेस का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ चल रहा है। कई गर्ल्स तो बिल्कुल बैक से ओपन रखती है, सिर्फ हल्की सी डोरी बंधवा लेती हैं या बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप रखती हैं, पहनने में अच्छी भी लगती है। अगर हम फैशन करेंगी तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि यार इसके अंदर हम कौन सी ब्रा पहने। तो इसके लिए आप या तो इस टाइप की स्टिक ऑन ब्रा चूज़ कर सकती हैं जो आपके ब्रेस्ट को आगे से सपोर्ट कर लेंगी और बैक बिल्कुल ओपन रहेगा,
बट गाइस इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि यार इसका जो ग्लू होता है वो कितनी देर तक रहेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो ऐसे में तो उतर जाएगी और ऐसे में फिर प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसके लिए आप जब भी ब्लाउज स्टिच करवाती हैं उसी में ही पैड लगवा लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसी में पैड लगवा लीजिए फिर आप उसे पहनिए, जिससे आपका जो ब्लाउज सीमलेस भी है तो आपके निप्पल्स भी नहीं दिखेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उसी में पैड लगवा लीजिए। तो इस टाइप की ड्रेस के साथ आप पहन सकती हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं जिनके हैवी ब्रेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सी वुमेंस गर्ल्स होती है जिनके ब्रेस्ट काफ़ी हैवी होते हैं। कई गर्ल्स को भी मैंने देखा है, वुमेंस के तो होते हैं, गर्ल्स के भी ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए फुल सपोर्टेबल ब्रा आती है इस टाइप की, जो आप चूज़ कर सकती हैं। यह आपके हैवी ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट करेगी और काफ़ी कम्फर्टेबल्स भी होती हैं। अब बात करते हैं, यार दीदी ये सब तो हम रोज़ पहन, कहीं जाएंगे तो हम पहन लेंगे, बट अगर हम नॉर्मल क्या ब्रा पहने? ये सबके मन में सवाल आता होगा कि इतनी सारी ब्रा हम घर में तो पहन कर रहने से रही। तो नॉर्मल डेज के लिए आप इस टाइप की ब्रा चूज़ कर सकती हैं जो आप देख रही हैं। इसमें यहाँ पैडेड लगा है, बट इसका जो पैडेड है वो इसी के अंदर इंक्लूड है और इतना ज़्यादा लाइट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके ब्रेस्ट कम है तो ये उन्हें तो हैवी दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपको टी शर्ट या कुछ ऐसा पहन रही है तो आपके निप्पल्स को भी कवर कर लेंगे और साथ में इसमें कोई ब्रा लाइंस भी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस टाइप की आप डेली यूज़ में पहन सकती हैं। गाइस अब बात करते हैं टीनेजर्स गर्ल्स, यस टीनेजर्स गर्ल्स को कौन सी ब्रा पहननी चाहिए। मैं इस पर एक अलग से टॉपिक लेकर भी आऊँगी कि टीनेजर्स गर्ल्स को किस एज में ब्रा पहननी चाहिए, कौन सी ब्रा पहननी चाहिए, बट फिलहाल टीनेजर्स गर्ल्स हैं जिन्होंने ब्रा पहनना स्टार्ट ही किया है, 13-14 एज है, तो वो इस टाइप की ब्रा चूज़ कीजिए। इस टाइप की ब्रा टीनेजर्स गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसमें पैड लगे हुए रहते हैं, बट इनके जो पैड हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं हैं। मैं यही कहूँगी कि उन्हें पैड वाली ब्रा ही पहननी चाहिए, क्योंकि वो स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, टी शर्ट वगैरह पहनती है, तो जिसमें से निप्पल्स विजिबल नहीं हो, तो उसके लिए आप इस टाइप की ब्रा चूज़ कर सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड गाइस अब बात करते हैं जिम गर्ल्स लवर की। अगर आप जिम जाती हैं, योगा करती हैं, तो आप अपनी नॉर्मल ब्रा तो पहन रही हैं, वो तो बेस्ट है। नॉर्मल ब्रा के साथ इस टाइप की स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकती हैं, यह आपके ब्रेस्ट को भी सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए बेस्ट है। लास्ट बात करते हैं ब्रेस्ट सेवियर की। जिनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सैगी हो गए हैं, लटक गए हैं, लूज़ हो गए हैं, फिटिंग कराने की वजह से ख़राब हो गए हैं, एक ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ छोटा है, तो ऐसे में ब्रेस्ट को ठीक करने के लिए आप इस टाइप के ब्रेस्ट सेवियर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रा के ऊपर ही इनको पहनना होगा और ये एक साइज़ में छोटे रहते हैं, जिससे आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट कर लेंगे, तो इसे आप ज़रूर चूज़ कीजिए। मैं इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं, और इनसे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और कुछ भी आपको जानना या पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स कर सकती हैं।